ही दायित्व बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे आप भी मनाते हो, मैं भी मनाती हूँ। का आपको अगर कोई जन आप वकील हो, आपका बंदा गलत फंस रहा है, तो आप कानूनी अपनाओ ना मोड। आप क्यों हाईकोर्ट में क्वेश्चन करो? नहीं 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 हनुमानगढ़ बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत व अन्य एडवोकेट के साथ पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के साथ आज हुई गर्मागर्मी। यह बता दें कि एडवोकेट राजेंद्र कुमार बुआल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री गंगानगर के एएसपी राजेंद्र टिडाड़िया द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने का विरोध जताने तथा एडवोकेट की मांग को एसपी के जरिए गंगानगर पहुंचाने के वास्ते आज एडवोकेट और बार संघ के अध्यक्ष एसपी से मिले थे। बातचीत के दौरान एसपी राशि डोगरा तथा बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के बीच नोकझोंक के साथ साथ गर्मागर्मी भी हुई। वकील एसपी से वार्ता बीच में छोड़कर नाराजगी प्रकट करते हुए चैम्बर से ही नारे लगाते हुए एसपी के विरुद्ध नारे लगाते हुए चैम्बर से बाहर चले गए। बाद में एडवोकेट व बार संघ के अध्यक्ष जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से इस मामले के संबंध में मिले तथा उन्होंने राजेंद्र कुमार बुआल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गंगानगर के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने के विरोध में ज्ञापन भी दिया और उन्होंने सारी प्रकरण को जिला कलेक्टर के समक्ष भी रखा। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट्स की बात को शांत भाव से सुना तथा उनका ज्ञापन गंगानगर प्रेषित करने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व बार संघ के अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में वकील भ्रष्टाचार निरोधक विभाग हनुमानगढ़ के कार्यालय के ऊपर भी आज प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने प्रदर्शन करके यह विरोध जताया कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग गंगानगर मनमानी कर बुआल वकील को झूठे मुकदमे में फंसा रहे, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इस पर कार्रवाई को रोका नहीं जाता है तब तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे रणनीति बनाकर इस आंदोलन को पूरे राजस्थान के अंदर तेज किया जाएगा। ये जितेंद्र सारस्वत का कहना है और आने वाले समय में वो कहते हैं कि इसको और भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी हनुमानगढ़। वैसे तो हमारी पुलिस चाहे वो किसी विभाग में लगी हो, सिविल में लगी हो, एंटी करप्शन में लगी, किसी और में लगी, उसका जो करेक्टर है, जो चरित्र है, वो सारी पब्लिक के सामने है। अभी उन्होंने के इसी क्रम के अंदर हमारे वकील साहब राजेंद्र जी बुआल एक FIR दर्ज की उन्होंने 2017 में। पटवारी और गिरदावर ने पैसे मांगे उसी काम करवाने के लिए, वकील साहब उसमें वकील नहीं है। पैसे पार्टी ने पैसे पतराम को दे दिए, वकील साहब कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्डिंग हुई जो प्रक्रिया इनकी, उसमें वकील साहब का कोई लेना देना नहीं, कोई नाम नहीं, वकील साहब का कोई रोल नहीं कहीं भी किसी तरह से। पर उस FIR में क्या हुआ कि पतराम जो है एक बहुत बड़ा एक गिरदावर है और एक पटवारी था, पटवारी ने इस FIR के अंदर से सुसाइड कर ली और एंटी करप्शन पे ये आरोप नहीं लग जाए कि उन्होंने आपने प्रताड़ित किया थी तो 6 का मुकदमा नहीं बन जाए। इस चक्कर के अंदर उन्होंने पतराम, नहीं तो पतराम को मुलजिम माना
और न वो एक मरी गया था, अब कहीं वकील साहब आप मुलजिम हो। हम सारे वकील, सब वकीलों ने उस एफआईआर को पढ़ा है, उस जांच को पढ़ा है, सारी चीज को देखा है, हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि वकील साहब का कोई रोल ऐसा हो जिससे उन्होंने कोई रिश्वत मांगी हो या रिश्वत की राशि रखी हो या किसी को प्रभावित किया हो, प्रेरित किया हो। नहीं, सिर्फ एक रंजिश, बस एक मतलब दबाव देने के लिए, सिर्फ अपने मामले को, झूठे मामले को दबाने के लिए पटवारी की एफआईआर हमारे पे नहीं हो जाए। इसलिए पत्राम, अब वो रिकॉर्डिंग जो है उसमें आप सुनेंगे तो उसमें वो पत्राम कह रहा है रिकॉर्डिंग में पार्टी को, कभी आप पैसे दे दो आपका रास्ता खुल जाएगा। अब मुलजिम तो वो पटराम है या तत्कालिक तहसीलदार जी है या कोई और अधिकारी है, वकील साहब का क्या लेन देन है? और प्रशासनिक स्तर पे पटवारी और गिरदावर के खिलाफ प्रशासनिक स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन तो स्वीकृति नहीं दी उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए, झूठा मान लिया। अब जो मामला है उसमें 120 बी में वकील साहब को मुलजिम माना, वो मामला बेसिकली झूठा है, तो वकील साहब 120 में मुलजिम कैसे बन गए? सिर्फ एक रंजिश बस कार्रवाई है जो कि एंटी करप्शन वालों ने कोई बड़ा हिसाब किताब करके और वकील साहब से कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए मुकदमा करे। आज हम लोग आज एसपी साहब से आपकी तकरार हुई है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? आज हम एसपी साहब से मिले, हमने उनको निवेदन किया कि आपकी जो पुलिस प्रणाली है इस तरह की है, वो बात उनको कुछ कम जची। हमने उनको यही बोला कि आपके जो सिविल में जो सीआई है वो जैसे एंटी करप्शन जाते हैं सारे ईमानदार बन जाते हैं, और वास्तव में आदमी कोई अपना चरित्र छोड़ता नहीं है। हमने दुख तिरक पे हाथ रखने के बाद एसपी साहिबा कोई बात जची नहीं, हमने कहा नहीं जची कोई बात नहीं। हम वहां से सारे वकील उग्र हो गए, उन्होंने उनकी बात को उनको इग्नोर कर दिया, उनको बाइकआउट करके ऑफिस से बाहर आ गए। तो बस बढ़िया रुख उनके पुलिस मुखिया का भी यहाँ का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लर्क साहब ने हमारी बात बहुत ढंग से सुनी, और अब मैं निवेदन करूँ आपको कि ये जो एक एससीबी है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हमारी मानगढ़ एसपी भी डरती है, अगर वो बोल गई, अगर हमारी बात सुन ली तो एसीटी वाले तेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, डरते हुए भी उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, जो कि एक अच्छा मैसेज नहीं है। अभी आपका वर्क सस्पेंड, अभी हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा, और जब तक राजेंद्र मोहाल को न्याय नहीं मिल जाता हम इसी तरह आंदोलन करेंगे। कल हमारे मानगढ़ जिले के सभी न्यायालय बंद रहेंगे, सारे वकील हड़ताल पर रहेंगे। परसों गंगानगढ़ अध्यक्ष जी से बात हुई है और सभी न्यायालयों से बात करके वहां भी हमारी हड़ताल रहेगी, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एसीडी ऑफिस गंगानगर को घेरने का है, सारे दोनों जिलों के वकील इकट्ठे होकर हम उसको घेरेंगे, डीजीपी से बात करके उससे एफआईआर को पुलिस का पीस चेंज करेंगे।